नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत हो गए। सबसे पहले तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं जब से मैंने ना तो ब्लॉग किया ना तो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि शेड्यूल अभी इतना बिजी हो गया है। मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, योगा क्लासेज एक दिन में 8-8, 10-10 क्लासेज चल रही है, तो कुछ ही दिनों में उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास एक और टीचर आ जाएगा तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और आपके लिए रेगुलरली वीडियो बनाते रहूँगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप वियतनाम का जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल होता है, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, और जो अप्रूवल लेटर होता है वो कैसे वर्कआउट करता है, और ई वीज़ा कैसे वर्कआउट करता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वियतनाम का जो वीज़ा होता है वो ऑन अराइवल नहीं मिलता है। जैसे कि ऑन अराइवल का मतलब होता है जैसे आपने अपना टिकट बुक कर दिया, सीधे आप एयरपोर्ट में आ गए और वहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाए, मतलब पहले आपने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, सीधा एयरपोर्ट में आके वीज़ा ले, तो उसे ऑन अराइवल वीज़ा कहते हैं। तो वियतनाम में वो वीज़ा नहीं मिलता है। अगर हम लाओस जाए या थाईलैंड जाए तो वहाँ पर ऑन अराइवल मिल जाता है हमारे को वीज़ा। तो हमारे को क्या करना होता है, हमें वीज़ा पहले नहीं बनाना होता है, हम सीधे एयरपोर्ट में गए और वहाँ पर हमें वीज़ा मिल जाता है। तो अब बात करते हैं अप्रूवल लेटर की, कि भाई जो वीज़ा अप्रूवल लेटर होता है, सपोज करो अगर आपको वियतनाम आना है तो आपको जो स्पॉन्सर कंपनी होगी वो आपको एक अप्रूवल लेटर देती है, तो उसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। तो वो अप्रूवल लेटर भी, उसमें भी बहुत सारे लफड़े हैं। लफड़ा क्या है आपको मैं बता देता हूँ। तो जो अप्रूवल लेटर होता है, कई एक बार उसमें क्या होता है कि आपको वीज़ा वियतनाम एम्बेसी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, वहाँ से पिक करना पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट में ही वीज़ा मिल जाता है, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, एयरपोर्ट मोस्ट ऑफ चांसेस में आपको एयरपोर्ट से वीज़ा मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, जो आपका अप्रूवल लेटर बनवा रही है जो कंपनी। तो कभी कभार होता है जो तो भाई प्रोफेशनल बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास काम करने वाले एजेंट हैं, उनको पहले से क्लियर रहता है कि भाई हाँ कि आपको कैसे ईजी बनाना है। कई बार होता है जैसे छोटी मोटी कंपनी होती है वो बना देते हैं, उनको पता वता नहीं रहता है, तो जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो अपने मर्जी से आपके लिए डाल देते हैं कि आपका वीज़ा एम्बेसी से पिक होगा, या फिर अगर आपको आना है हनोई एयरपोर्ट में लेकिन वो नाम डाल देंगे हो ची मिन के एयरपोर्ट का, तो आपको हो ची मिन के एयरपोर्ट से वीज़ा पिक करना पड़ेगा, तो आपका फ्लाइट में भी लफड़ा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपकी स्पॉन्सर कंपनी है आपको बता देना है उनको पहले ही कि भाई आप फ्लाइट कहाँ की करवा रहे हैं, या तो आप फिर वीज़ा जो अब आपका अप्रूवल लेटर बन जाता है उसके बाद ही फ़्लाइट बुक करवाएं। तो अगर आपको हनोई में फ़्लाई करना है, हनोई के लिए फ़्लाई करना है, तो आपको स्पॉन्सर कंपनी को बता देना है कि मेरा जो एंट्री है वो हनोई एयरपोर्ट नोएवाई एयरपोर्ट से रखे, ना कि होचीमिन या फिर एम्बेसी से वीज़ा कलेक्शन का हो। बल्कि जो अप्रूवल लेटर होता है उसमें नीचे लिखा होता है, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आपको देखने के लिए, तो ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए उसमें मेंशन रहता है कि आपको अपना वीज़ा कहाँ से पिक करना है। तो अगर तो उसमें लिखा हुआ है आपके अप्रूवल लेटर में कि आपका वीज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि आप होचीमिन या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वियतनाम में, वहाँ से आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको उसमें लिखा हुआ है नोएवाई एयरपोर्ट या फिर होचीमिन का कोई एयरपोर्ट का नाम लिखा हो, तो फिर उस वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा, इधर उधर से नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आपके अप्रूवल लेटर में लिखा होगा वहीं से वीज़ा मिलेगा। ये गलती मत करना कि आप, अगर आपको लिखा हो उसमें इंडिया से पिक करना है, आप फ्लाइट बुक करके सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, पहले बात तो आपको बोर्डिंग ही नहीं मिलेगा इंडिया से ही। अगर बाई चांस कुछ ऐसा केस हो जाता है तो यहाँ पर वीज़ा का लफड़ा हो जाएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा सिंपल है, अभी एक महीने का वीज़ा ही है, वो टूरिस्ट वीज़ा ही कहला रहा है। ठीक है, तो वो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, और या तो आप अपना वीज़ा पिक कर सकते हैं इंडिया में ही, जो वियतनाम एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वहाँ से पिक कर सकते हैं, और आप एयरपोर्ट आ सकते हैं, एयरपोर्ट वियतनाम एयरपोर्ट से भी आप ई वीज़ा को पिक कर सकते हैं, आपको उसमें स्टिकर लग जाएगा आपके पासपोर्ट में वियतनाम वीज़ा का। तो ये कुछ सिस्टम है, ऐसे वर्कआउट करता है। कुछ देख दिन मैंने पहले देखा था फेसबुक ग्रुप में भी इसके बारे में चर्चा चल रही थी, लोगों को कन्फ्यूजेशन था, वो कह रही कि मेरी स्पॉन्सर कंपनी जो है कि वो कह रही आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, न्यू दिल्ली से वीज़ा मिलेगा,
और उनका फ्लाइट का कुछ गड़बड़ था, उनकी फ़्लाइट कहीं और से थी और वो न्यू दिल्ली नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो ट्रैवल ज़्यादा हो रहा था। तो उनने यही सुजेशन पूछा था कि कोई सुजेशन है कैसे उसमें हो सकता है। तो उसमें कोई सुजेशन नहीं, जो उसमें लिखा हुआ है फिर तो वैसे ही होना है, उसमें चेंजेस कोई नहीं ला सकता। तो ये था कन्फ्यूजेशन वीज़ा के बारे में, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर बताएं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।